एवरीवन, मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा और अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे होगे तो आप तो मुझे जानते ही होंगे। तो ये चैनल वैसे तो ब्लॉगिंग के लिए है, बट बहुत सारे लोगों का डीएम आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर आपको बायजूस में जॉब कैसे मिला, स्पेशली टीचर्स लोग का, क्योंकि लॉकडाउन में काफी लोगों का जॉब छूट गया। तो मेनली जो है वो टीचर्स के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम और ये सच भी है। तो उनका रिक्वेस्ट आ रहा था बार बार कि सर प्लीज आप इसके बारे में डिटेल से बात कीजिए कभी कि हम लोग कैसे जॉब कर सकते हैं और आपका क्या जर्नी था, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सैलरी पैकेज क्या होता है। तो अलग अलग डिटेल जो है वो बायजूस जॉब के बारे में वो आपसे हम शेयर करेंगे। और तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने बैकग्राउंड का, ताकि आप लोग ये जान सको कि किस तरह से, किस तरह के बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को भी ये जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो मेरा जो घर है वो मेनली जो है वो पटना बिहार है और मेरा होम टाउन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है। तो मेरा जो स्कूलिंग वगैरह सब हुआ है वो मिक्स है थोड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग का कुछ पार्ट जो है वो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं बेसक, और जो कुछ पार्ट है वो हिंदी मीडियम में भी था। तो मेरे लिए जो जर्नी था मेरा अपना पढ़ाई का वो हिंदी इंग्लिश मिक्स था। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम 12th के बाद से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, कुछ था फाइनेंशियल इशू कह सकते हो आप, और उसके वजह से जो है वो पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरा अपना भी कोचिंग था लॉकडाउन से पहले, ठीक है, और काफी अच्छे कंडीशन में था, काफी प्रोग्रेस किया था, लेकिन लॉकडाउन जब आया तो हम लोग जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए। स्टार्टिंग का 6-7 मंथ किसी तरह से मैनेज किए, बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ा वगैरह कर उसका सिलेबस जो है वो खत्म कर दिए, लेकिन उसके बाद सर्वाइव करना मुश्किल था और कोई होप नहीं दिख रहा था, ना ही कुछ गवर्नमेंट के तरफ से जो है वो कॉपरेशन मिल पा रहा। तो ऑनलाइन हम लोग ट्राई किए, ठीक है, बट जो एक होता है ना सेटअप पीछे वो रेडी नहीं था हम लोग के पास, तो हम लोग जो है वो चल नहीं पाए उस टाइम में ऑनेस्टली अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, तो एक दिन ऐसे ही हम लोग जो है वो ऑनलाइन सर्च कर रहे थे तो बायजूस का एड दिखा कि कोई भी फ्रेशर्स हो चाहे एक्सपीरियंस हो, कोई भी ऐसे टीचर हो जो वहां पे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या था कि जैसे उस टाइम मेरे टाइम में मैथ्स का जो है वो वैकेंसी था और साइंस का वैकेंसी था, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो मैथ्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का ज्यादा है। मैं खुद भी जैसे मेरा जैसे ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स से हुआ है, एमएससी भी केमिस्ट्री ऑनर्स से हुआ है। ठीक है, लेकिन मेनली जो मेरा मतलब है मैथ्स हमको ज्यादा मतलब अच्छा लगता है पढ़ाना, और प्लस हमको मौका भी जो ज्यादातर जगह पे मिला क्योंकि हम कुछ स्कूल्स में भी पढ़ा चुके हैं, तो अधिकतर जगह पे मेरा मैथ्स का ही बैकग्राउंड रहा जो मेरे रिज्यूम में भी रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो जब हम अप्लाई कर रहे थे बायजूस में और जब मेरा बात हुआ उन लोगों से तो उनका कहना था कि सर मैथ्स का टीचर्स का शॉर्टेज हो तो आप मैथ्स के लिए अप्लाई करो। वैसे हमको फिजिक्स भी पढ़ाना काफी अच्छा लगता है और केमिस्ट्री पढ़ाना भी तो अच्छा लगता ही है, मेरा अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, तो खैर ये था मेरा अपना बैकग्राउंड, बाकी बायजूस में हम कैसे कैसे अप्लाई किए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिन जो है वो ऐसे फेसबुक पे जो है वो स्क्रॉल कर रहे थे, ठीक है, और बायजूस का ऐड दिखा, तो उस ऐड को फॉलो किया, कुछ डिटेल्स हमको वहां पे फिल करना था, जो डिटेल्स हम फिल कर दिए। उसके बाद एक लिंक आया मेरे ईमेल पे, जिस ईमेल पे जाने के बाद उसी लिंक को क्लिक करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल जो है वो डिटेल्स हमको फिल करना था, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट हमको एक वीडियो जो है वहां पे वीडियो का लिंक जो है वहां पे डालना था, और वो वीडियो का लिंक जो है वो मतलब ऐसा होना चाहिए लाइक जैसे आप यूट्यूब वीडियो का भी लिंक डाल सकते हो अगर आपका कोई वीडियो है पढ़ाने वाला। ठीक है, और मेनली उसका कंडीशन ये है कि वो वीडियो इंग्लिश में होना चाहिए, उस टाइम का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो उनका प्रीफर्ड लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश ही होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने कुछ पढ़ा रखा था तो मेरे पास वीडियो था, और अगर होगा तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप लोग देख लेना कि वैसा वीडियो देख के भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो वो लिंक वहां पे हम डाल दिए। ठीक है, उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उसके लगभग 8 या 10 दिन के बाद मेरे को कॉल आया होगा कि सर आपका इतने तारीख को जो है वो इंटरव्यू है। ठीक है, और उसमें हमको टॉपिक भी बताया गया कि आप सर ये टॉपिक प्रिपेयर करके आना, आपको जो है वहां पे पढ़ाना है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन जैसे कोई 2-3 इंटरव्यू मेंबर होंगे और थे भी 2-3 इंटरव्यू मेंबर जिनके सामने आपको पढ़ाना है और कंप्लीट इंग्लिश में ही अपने आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जो टॉपिक दिया गया जैसे मेरे केस में मेरे लिए टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम उसको प्रिपेयर किए, जैसे एक पीडीएफ स्लाइड भी बना लिए, और ये जो मीटिंग था वो जूम पे था तो स्क्रीन शेयर करके आप पढ़ा सकते हो। अगर आपके पास बोर्ड वोर्ड का ऑप्शन नहीं है तो आप ऐसे भी बाई वोकल भी पढ़ा सकते हो, क्योंकि मेनली आपको वो लोग ये देख रहे हैं कि आपका इंट्रैक्शन लेवल कैसा है, आप कैसे इंट्रैक्ट करते हो स्टूडेंट के साथ। तो जो मेरा अपना इंटरव्यू था ना, तो हम उसमें जैसे इंटरव्यू को ही बोल दिए थे कि सर आई विल कंसिडर यू एज माई स्टूडेंट सो दैट आई कैन फील कम्फर्टेबल एज टीचिंग। ओके, तो वो लोग हंसने लगे। खैर, इंटरव्यू काफी अच्छा था, कह सकते हैं कि लगभग जो है वो 10 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चंस का जो है वो हम आंसर किए। एक रोमन नंबर वाला पार्ट था जो मेरे जहन में नहीं था उस टाइम में, और जैसे मेरे से पूछा गया था 500 समथिंग का रोमन नंबर, तो उस टाइम हमको याद नहीं था क्योंकि मेरा जो मेनली एक्सपीरियंस है वो सीनियर क्लासेस में, और वहां पर रोमन नंबर यूज नहीं आता, तो वो आंसर मेरे से नहीं आ पाए। बट फिर भी हम बोर्ड मेंबर से पूछे वहां पे कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो उनको लगा होगा कि चलो भाई इस बंदे में मतलब सीखने वाला एबिलिटी अभी भी है,
अगर इसको नहीं आया तो ये अनकॉन्फिडेंट फील नहीं किया, और मतलब वो पूछा, वो मतलब जानने का कोशिश किया, तो वो एक अच्छा फैक्टर था। और बाकी जो भी मेरे को आता था वो हम अच्छे से आंसर किए, ठीक है। और यही था पहला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो उसके बाद हमको बताया गया कि ठीक है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वैसे हम लास्ट में सर से क्वेश्चन पूछे भी कि सर आपका क्या असेसमेंट है मेरे इंटरव्यू के बाद, तो उनका कहना था कि आपका ये जो इंटरव्यू है वो काफी अच्छा है, हम लोग हर हर दिन जो है वो लगभग 200-250 इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें आपका काफी अच्छा है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि आपका हो ही जाएगा। तो थोड़ा सा पॉजिटिव हमको लगा, ठीक है। लेकिन फिर उसके 10-15 दिन तक कोई कॉल नहीं आया। फिर अचानक एक दिन कॉल आया कि आपका एक और इंटरव्यू है, और आई सेड ओके। तो उस दिन भी जो है वो कोई टॉपिक हमको दिया गया, तो उस दिन क्या हुआ ना मेनली कि हम पढ़ाए नहीं, हमसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया। मेरा पेपर मैथ्स था, तो अलग अलग जैसे पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्री, अलग अलग टॉपिक से जो वो क्वेश्चन पूछा गया। तो उस दिन कोई लेडी ट्यूटर थी जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रही थी, ठीक है। हम उनको इंसिस्ट कर रहे थे कि आप 11-12 से भी पूछो मोस्टली, तो कुछ वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो उनको लगा होगा कि हाँ भाई चलो टीचर कॉन्फिडेंट है, और तो एक पॉजिटिव फीडबैक उनको मिला मेरे तरफ से। क्योंकि आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि आप जब आंसर शीट में सारा आंसर लिख देते हो एग्जाम में, तो आप खुद कॉन्फिडेंट फील करते हो। वैसे ही इंटरव्यू का भी है, डरना नहीं है, क्योंकि आपको वो खाने के लिए तो बैठे नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आप नहीं बता पाओगे, बता दिए तो ठीक है हो जाएगा, नहीं बता दिए तो फिर किसी और कंपनी में ट्राई करेंगे, ऐसा थोड़ी कि हार मान लेना, ठीक है। तो ये माइंडसेट से हम जो वो इंटरव्यू दिए, तो उस दिन भी काफी पॉजिटिव मतलब जो फीडबैक था वो मिला हमको। तो फिर भी लगभग 10-15 दिन का फिर टाइम लगा, आप देखते जाओ कितना लंबा प्रोसेस था, 10-15 दिन का फिर टाइम लगा उसमें, ठीक है। उसके बाद मेरे को कॉल आया कि सर आप इससे पहले कहाँ काम करते थे, तो वो सब डिटेल हम दिए कि ऐसा सा था वैसा था। तो उनका कहना था कि सर आप जो है वो वहां से रिजाइन कर सकते हो क्या, तो ऑलरेडी तो हम रिजाइन कर ही चुके थे, रिजाइन किया मेरा लॉकडाउन में, अपना कोचिंग बंद ही हो गया था। लेकिन फिर भी हम झुकना नहीं चाहते थे, ताकि ये ना लगे कि हम डेस्परेट हैं जॉब के लिए, ठीक है। तो फिर हम उनको किसी तरह से बताएं कि अगर सैलरी अच्छा ऑफर आप करते हो, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वर्क कल्चर अगर अच्छा है, तो हम 7-8 दिन में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये मंथ कंप्लीट करके। तो ऐसा हम जो है वो बोले उनको। तो फिर एक और ईमेल आया कि 26 को आपका ऑन बोर्डिंग है। ऑन बोर्डिंग का मतलब आपको कंपनी में हायर किया जा रहा है, ठीक है। ऑन बोर्डिंग मतलब फर्स्ट डे आपका होता है, जिस दिन आपको लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं कि कंपनी का ये है, ऐसा है, वैसा है, ये सब सारा डिटेल, तो समझो आपका हो गया मतलब। लेकिन उस ईमेल से पहले कुछ ऑफर लेटर वगैरह था जो हमको मिला, उस ईमेल पे लिंक पे क्लिक करके हमको कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना था। उस ऑफर लेटर में सैलरी वगैरह भी था, ठीक है। तो वो सारा कुछ डिटेल देखने के बाद आपको क्या करना है, साइन करके उसको सबमिट करना, अपलोड करना। वो अपलोड करने के बाद आपको जूम का लिंक एक दे दिया जाएगा, क्योंकि जो आपका फर्स्ट ऑनबोर्डिंग होगा, एक तरह से आप इंटरव्यू समझ लो, और आप अपने टीम से इंटरेक्ट करोगे, आपके मैनेजर कौन है मतलब एचआर कौन है, तो आप इन लोग से इंटरेक्ट करोगे, और साथ में आपको कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशंस या जो भी है, कैसे कंपनी जो है, क्योंकि कंपनी में हमको लग रहा है कि मेरे जैसा ट्यूटर जो लगभग 5-6 हज़ार होगा कम से कम, ठीक है। और बाकी सारे टीम के तो बोलो ही मत, जैसे कॉन्टेंट वाली टीम है, और जैसे मेंटोर्स का है, मतलब काफी काफी अलग अलग मतलब डेजिग्नेशन है। आप जब एक बार कंपनी के पार्ट हो जाओगे तो आपको सब कुछ आइडिया लगते जाएगा, कैसे कैसे कंपनी जो है वो परफॉर्म होता है, सारा काम को करता है। खैर हम आते हैं वापस से अपने इस वाले पार्ट पे। तो हम लोग ऑन बोर्डिंग उस दिन हुआ, ठीक है, और सारा कुछ बताया गया हम लोग को। और उसी दिन फिर हम लोग को बताया गया कि आपका जो है पहला इनिशियल कुछ ट्रेनिंग आपका होगा, ठीक है। जो ट्रेनिंग में आपको जो है वो पहले 10-15 दिन का ट्रेनिंग होगा, जैसे आपको प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ाना है ऑनलाइन वगैरह, तो वो आप कैसे पढ़ाओगे वो भी आपको बताया जाएगा उसमें। उसके बाद कुछ कंटेंट, जैसे जो भी ग्रेड का, जो जिस ग्रेड के लिए भी आपको सिलेक्शन किया गया, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो उस ग्रेड का सारा कॉन्टेंट आपको दिया जाएगा। फिर आपको उसको प्रिपेयर करना है, हर दिन उसका जो है वो टेस्ट देना है, ठीक है। मतलब एक तरह से आपको होमवर्क दिया जा रहा है, क्योंकि आप घर से काम कर रहे हो, तो स्टार्टिंग के कुछ डेज में आपको पढ़ाना तो है नहीं, तो आपके लिए काम यही है कि आप उस चीज को फिर से रिवाइज करो, ठीक है। तो वो लोग आपको पूरा टाइम दे रहे हैं कि अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं भी हो स्टूडेंट के सामने में जाने के लिए, तो आप पहले प्रिपेयर्ड हो जाओ, और सोचो कि आपको अपने आप को पढ़ने के लिए भी पैसा दिया जा रहा है, मतलब क्योंकि जिस दिन आपको ऑन बोर्डिंग हुआ ना, आपका सैलरी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। तो सोचो कि आपको ट्रेन करने के लिए जो खुद आपको होना चाहिए था पहले से ट्रेंड, क्योंकि कंपनी काफी बड़ा है और रेपुटेशन जो है वो किसी ना किसी बात से खराब हो ही जाता है, तो इसलिए वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो इसलिए वो लोग जितना हो सकता है कोऑपरेट करते हैं आपको, ठीक है, कि किसी तरह से जो है वो कोई भी दिक्कत कहीं से नहीं आए। तो ऐसा था मतलब स्टार्टिंग का 10-15 दिन मतलब जो है वो लगभग ट्रेनिंग का पार्ट था। उसके बाद हम लोग को लास्ट दिन जो है वो प्लेटफॉर्म पे बताया गया कि आपको ऐसे डाउट लेना है स्टूडेंट्स का, ऐसे आपको बताना है, ऐसे पढ़ाना है, ये फीचर्स होता है, वो सारा आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे अगर मतलब क्योंकि
बहुत सारे जो ट्यूटर्स हैं मेरे जैसे जिनको ऑलरेडी मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो वो लोग इंतजार में रहते हैं कि कब स्टूडेंट को देखने को मिले, मतलब कब डायरेक्ट स्टूडेंट को हम लोग पढ़ाएं। तो इस ट्रेनिंग का थोड़ा सा पार्ट आपको बोरिंग भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन वो जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको सारा चीज जो है वो समझना जरूरी होता है, क्योंकि कब आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो सकता है भूल गए होगे, तो इसलिए रिविजन जरूरी है और इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है, मेरा मानना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो एक दो क्लास था, क्योंकि आपको रेटिंग्स बताया जाता है आपके क्लास का कि कैसा है, स्टूडेंट का सोचना क्या आपके बारे में, फिर जो ऑडिटर होते हैं वो आपका सेशन ऑडिट करते हैं, ठीक है, इस सब के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे आगे वाले वीडियो में। वैसे तो क्लास मेरा स्टार्ट हो गया और स्टूडेंट का काफी अच्छा फीडबैक था, जिसको देख के हमको काफी सेटिस्फेक्शन मिला, सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा था, ठीक है। मतलब लॉकडाउन में जहां मेरे पास जॉब नहीं था, मतलब कंडीशन ऐसा आया था कि कल क्या होगा आज क्या होगा कुछ पता नहीं था, ठीक है, उस कंडीशन में ऐसा जॉब हमको मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात था ये, और फैमिली में भी मतलब सब कोई खुश हो गया कि चलो भाई कोई होप नहीं था, एक होप तो दिखा एटलीस्ट, ठीक है। तो ये कुछ था मेरा जर्नी, बाकी अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हर टाइम तो टीचर्स का रिक्वायरमेंट होता नहीं है, क्योंकि जब काफी ज्यादा टीचर्स का शॉर्टेज होता है तो वो लोग खुद एड वगैरह रन करते हैं जिसको फॉलो करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लो जैसे सपोज कभी कोई टीचर छोड़ दिया अचानक, ठीक है, हालांकि एक मंथ पहले नोटिस पीरियड देना रहता है तो उसके हिसाब से वो लोग हायरिंग करते हैं अगर टीचर्स का शॉर्टेज होता है, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो इसका डिटेल जो हम आपको अभी जो है वो दे देते हैं, ठीक है। तो इनके वेबसाइट पे आपको जाना होगा, वहां पे कैरियर वाला कॉलम होगा, तो वहां पे भी जाके आपका जो डेजिग्नेशन है, क्योंकि अलग अलग चीज के लिए वो लोग हायर करते हैं, जैसे बीडीए वाला डेजिग्नेशन है, जैसे मेरा डेजिग्नेशन एकेडमिक स्पेशलिस्ट है जिसमें मेनली काम आपको पढ़ाना रहता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, अलग अलग टाइप का बैच जो आपको ट्रेनिंग में खुद बताया जाएगा, तो वो डेजिग्नेशन समझने के बाद आपको उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स फिल करना है, एज आई सेड आपको वीडियो का लिंक डालना है, वहां पे टॉपिक रहेगा, वहां पे मतलब आप किस टॉपिक से, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट के ट्यूटर हो, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक पे आपको वो वीडियो जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। बेसिकली वीडियो नहीं, वीडियो का लिंक अपलोड करना है, शेयरेबल लिंक जिससे कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। वो करने के बाद बस आपको वेट करना है, क्योंकि जैसे उनके पास अगर मान लीजिए अगर वैकेंसी होगा तो आपको कम ही दिन में अप्रोच कर लेंगे, 8-10 दिन में ही अप्रोच कर लेंगे, क्योंकि टीम काफी बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो आपको अप्रोच करेंगे ईमेल के थ्रू, आप ईमेल पे एक्टिव रहें, जो नंबर आप उसमें दिए वो मतलब चालू वाला नंबर आप दो, ताकि कॉल वगैरह हो तो आप मिस ना करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशन होता है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि भाई जो एक्टिव है, जो मेरे लिए अवेलेबल है, जो सीरियस कैंडिडेट है उसको मौका मिले बेसिकली, तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा, उसमें ईमेल्स को देखते रहना होगा, तो आपको उसके बाद सारा जो कन्वर्सेशन आपका होगा वो ईमेल के थ्रू ही होगा, जो लिंक होगा मीटिंग्स का वो सब सारा कुछ, ठीक है। तो आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है नहीं करना है। बाकी इससे और भी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे आप जब बायजू ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या मिलता है, आप लोग देखे भी होंगे नेट पे बहुत सारा चीज, वीडियोज वगैरह भी देखे होंगे कि वेलकम किट मिलता है, लैपटॉप मिलता है, ये वो, तो वो सारा हम आपको बताएंगे इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में, तो आप लोग उसको भी देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो कि हम लोग कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखो और इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करो, तो वहां पे भी मैं आपको डिटेल में हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, ठीक, और इसके जस्ट बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें एक तरह से अपन बॉक्सिंग वीडियो कह सकते हो, ठीक है, और प्लस मेरा अपना एक्सपीरियंस कितना है इस कंपनी में जॉब करने का, और एक्चुअल में वर्क कल्चर कैसा है, प्रेशर वाला है, मतलब प्रेशर वाला नहीं, वो सब भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए वाले वीडियो में आप लोग को, टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखो, ठीक है, और अगर यहां तक देखे हो तो चैनल को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है।